मित्रों, यह कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार जिला गोरखपुर में हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर एसपी सिंह यहाँ पर हैं। और देखिए, श्री अन्न का जो है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, और उसमें जो है पोषक तत्वों से भरपूर होता है। और यहाँ पर देखिए, यह जो है यहाँ पर पूर्वांचल में इसको टांगून के नाम से जाना जाता है, और इसमें और भी कई चीज़ हैं, आगे अभी चल के दिखाएंगे। वहाँ पर जो है ये रागी अथवा मड़ुआ है, फिर आगे जो है बाजरा है, अभी नज़दीक से दिखाएंगे। यह पोषक तत्वों से भरपूर है, प्राचीन काल में लोग इसी का इस्तेमाल करते थे और सुअर की बीमारियों से दूर रहते थे। यहाँ पर डॉक्टर साहब जो है देखिए अपने हाथ में लिए हैं, इसके दाने बहुत छोटे छोटे होते हैं। हमारी भारत सरकार के प्रस्ताव पर ही जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है इस वर्ष 2023 को जो है अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया है, और भारत सरकार इसको बहुत ही प्रयास कर रही है किसानों के लिए जो है इससे उत्पाद बना करके जो है काफ़ी अच्छा खासा लाभ उठा सकते हैं। इसी क्रम में कृषि विज्ञान बेलीपार में जो है कुछ थोड़े थोड़े पौधे लगाए गए हैं और इसको किसानों को दिया जाएगा। और इसके दाने जो है देखिए डॉक्टर साहब जो है को हथेली पर लिए हैं, इसके दाने बहुत छोटे होते हैं। ये देखिए, अभी बाजरे की फसल है। बाजरा कई तरीके का होता है, उसमें एक तरीका यह है कि देखिए यहाँ पर ये बाजरा है, ये जो है इसका दाना जो है छितराया हुआ लग रहा है। यहाँ पर ये इस तरह से होता है, यहाँ पर जो है इस तरह से होता है। और दूसरी फसल है जो है ये भी बाजरा है, इसमें जो है ये थोड़ा सा गुठली की तरह से सीधा लंबा सीधा होता है और ये छितराया हुआ नहीं रहता है। दोनों के दोनों जो है अच्छे होते हैं। इसमें जो है देखिए ये इस तरह से है, ये भी जो है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाने के साथ साथ जो है किसानों के आर्थिक स्रोत के लिए भी उत्तम है। धन्यवाद। ये मड़ुआ की फसल है, यहाँ पर देखिए यह जो है दाने पड़े हुए हैं। यहाँ पर इस तरह से जो है इसका साइज होता है। यह जो है जापान सरकार जो है इसको जो है इंपोर्ट करती है भारत से। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, आप भी जो है इन फसलों को लगा करके लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। यह जो है बाजरे की फसल है, इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है मिलेट वर्ष मनाया जा रहा है, इसको श्री अन्न कहा जाता है। इसको पहचानिए आप लोग जो है, इसको देखिए यहाँ पर इस तरह से जो है दाने पड़े हुए हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं, और इन दानों को जो है निकाल करके मनाया जाता है। ये शुगर वगैरह की बीमारी के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है।